नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। रेप प्रकरण में दंपति गिरफ्तार। मित्रता और शादी का झांसा देकर एक विधवा महिला का यौन शोषण और ठगी किए जाने के प्रकरण में एमआईडीसी पुलिस ने भोपाल के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित 37 वर्षीय विधवा निजी बीमा कंपनी में काम करती थी। इसी कंपनी के उज्जैन कार्यालय में आरोपी तनवीर जाफरी काम करता है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार वह मार्च 2018 में कार्यालय के काम से उज्जैन गई थी, तब उसकी तनवीर से पहचान हुई। पीड़िता के अनुसार दोनों मोबाइल पर बातचीत करने लगे। तनवीर ने शादी का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बनाए, साथ में कारोबार करने का बताकर पीड़िता से 4,50,000 रुपए भी ले लिए। तनवीर की पत्नी और माता पिता ने भी शादी कराने की हामी भरी। शादी करने और रुपए लौटाने से इनकार करने पर पीड़िता ने एमआईडीसी थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस ने रेप तथा धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। पुलिस को जांच के दौरान उनके भोपाल में होने का पता चला। पुलिस ने योजना बनाकर तनवीर और उनकी पत्नी नूरिन खान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर माँ बेटे पर हमला। नागपुर कचरा फेंकने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक महिला और उसके बेटे की पड़ोसियों ने पिटाई कर दी। यह घटना सोमवार की रात भानखेड़ा कब्रिस्तान के पास हुई। 19 वर्षीय मोहम्मद शहबाज और उसकी मां का पड़ोसी परिवार से विवाद हुआ तो शेख इरशाद, शेख नौशाद, शेख शोबू, शेख फजल, शेख शाबाद, शेख सहनाज तथा शेख अब्दुल ने उन दोनों की पिटाई कर दी। वही तीसरी ओर किशोरी को फुसलाकर रेप के बाद आरोपी गिरफ्तार। कोंडाली किशोरी को फुसलाकर भगा ले जाने और उससे रेप करने वाले युवक को कोंडाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चमेली तहसील काटोल निवासी दिनेश शालिग्राम वागाड़े है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिनेश समीपस्थ ग्राम दौड़ की निवासी 17 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया था। 2 दिसंबर को की गई शिकायत के आधार पर थानेदार श्याम गवहाने ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। किशोरी की कॉल डिटेल से पुलिस ने दिनेश का फोन नंबर हासिल किया। उसका लोकेशन मध्य प्रदेश में दिख रहा था। ग्रामीण पुलिस ने क्राइम ब्रांच के लोकेशन ट्रेस कर सोमवार 14 दिसंबर को करवाड़ तहसील पांडुरना से दिनेश वागाड़े को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। काटोल न्यायालय में पेश करने पर न्यायाधीश ने दिनेश को 4 दिन पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। SDPO काटोल नागेश जाधव के मार्गदर्शन में पोक्सो दल की। फिलहाल अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। MNS न्यूज देखो, सोना चांदी जीतो। सोमवार से रविवार में बताए जाने वाले न्यूज में पूछे गए 3 सवाल का सही जवाब भेजे और सोना चांदी जीते। मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर पर अपना सही जवाब टाइप करें MDSCJ और पूछे गए सवाल का सही जवाब इस नंबर पर भेजे 9552838179।